हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, बाज़ार के बारे में। आज क्रेडिट पॉलिसी आई, क्रेडिट पॉलिसी में कुछ भी चेंज हुआ नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बाज़ार को पसंद नहीं आई। बाज़ार उम्मीद कर रहा था कि कोई ना कोई पैकेज वगैरह अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन RBI ने नहीं किया। उस समय पर बैंक निफ्टी 35,700 पे चल रहा था जब क्रेडिट पॉलिसी आई, और बाद में आप देखिएगा 35,291 पर क्लोज हुआ। और इसी तरीके से सेंसेक्स की बात करिए, निफ्टी की बात करिए, तो वीकनेस जारी रही। हालांकि इंडिया वीक्स यानी कि जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, जो ऑप्शंस के प्रीमियम पर डिसाइड होता है, वो ये कह रहा है कि भाई साहब बाज़ार के अंदर वोलेटिलिटी नहीं है। और मैं आपके साथ चर्चा करता ही रहा हूं कि बीयर्स ने अपने घुटने टेक दिए। अब आप कह रहे हो सिर्फ बीयर्स ने अपने घुटने टेक दिए तो ये बाज़ार कैसे आज 357 पॉइंट निफ्टी बैंक कैसे गिर गया? ये कुछ नहीं है, एक बैंक निफ्टी के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और ये सीधी सीधी बात है, ये नीचे बाज़ार को इसलिए लाया गया कि 35,000 के आसपास जो है बीयर्स जो है समझे कि भाई सब मार्केट गिर जाएगी, उनको पुट खरीदवा देंगे और पुट खरीद के उनके पैसे ये बड़े प्लेयर्स हजम कर लेंगे। ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो इंडिया विक्स को बढ़ाने के लिए भी जो है कभी कभी बड़े प्लेयर्स जो है बाज़ार को ऊपर नीचे करते हैं, क्योंकि अगर वोलेटिलिटी होएगी तो वो पैसा कमाएंगे, तभी तो रिटेलर्स आएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा डाउ जोन्स इंडेक्स जो है काफ़ी दिनों के बाद आपको इस समय पर मजबूत नज़र आ रहा है। नहीं तो खुलता तो मजबूत था, लेकिन रोज़ धीरे धीरे स्लिप हो जाता है। नेस्डेक कल की 1% की गिरावट के बाद आज तेज़ी से चलता हुआ नज़र आया। इसी तरीके से आज जो एशियन बाज़ार थे वो आप देखेंगे कि मोर और लेस जो है फ्लैट ही थे। अभी निफ्टी 50 का इंडेक्स कहाँ चल रहा है, सिंगापुर निफ्टी करीबन 66 पॉइंट की तेज़ी के साथ जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये मंडे के लिए एक अच्छा इंडिकेशन आप मान सकते हैं, तो मंडे के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन। इसके अलावा शेयर्स की बात करिए तो देखिएगा जो शेयर्स तेज़ी में रहते हैं उसमें अदानी इंटरप्राइज जो है, अदानी ग्रुप तो पूरा ही तेज रहता है। तो जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो सीधी सी बात यह है कि अदानी इंटरप्राइज जो या अदानी ग्रुप का कोई भी शेयर हो उसको कोई रिस्क है ही नहीं। तो मार्केट के अंदर जिस शेयर्स को कोई रिस्क नहीं है तो वहाँ पर जो है लोग पैसा लगाते हैं। और सीधी सी बात क्या है कि नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इनके हाथ में, लेकिन बैलेंस शीट में डेट बहुत है। और ये बुलिश मार्केट के अंदर होता भी है कि वैल्यूएशंस को जो है बहुत बार बाज़ार नज़रअंदाज कर देता है, तो ऐसा ही कुछ मामला अदानी ग्रुप के शेयर्स के साथ है। इंडिया बुल्स में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, भारत फोर्ज के अंदर अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। SBI देखिएगा काफ़ी तेज़ था, लेकिन ऊपर के लेवल पे अब आज प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आई। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ब्रेंट क्रूड की, तो ब्रेंट क्रूड जो है 71.57 पे है, यानी कि आप मैंने आपके साथ जो बात शेयर की थी कि 72 डॉलर्स के बाद अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये 78 तक जा सकता है, जो हमारे लिए चिंता का कारण बन सकता है। इसी तरीके से जो डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें करेंसी में, तो ये भी इन्फ्लो का एक मेन रीज़न होता है, तो 90 के ऊपर चल रहा है अभी भी, तो यहाँ से काफ़ी उम्मीदें जो हैं बनी हुई है। देखिएगा ये आज की जो चर्चा है, इस चर्चा के अंदर अगर हम बात करें कि बाज़ार का रुख अगले हफ्ते कैसा रह सकता है, तो देखिएगा बाज़ार का रुख साफ़ है कि बाज़ार अभी जो है वोलेटिलिटी को ख़त्म कर चुका है। तो अभी एक या दो दिन और जो है शायद आपको देखने के लिए मिले जहाँ पर कि आपको डायरेक्शन लेस ट्रेड ही नज़र आए, और उसके बाद जो है आपको डायरेक्शंस जो है नज़र आनी शुरू होंगी। और बाज़ार के अंदर जो स्मॉल और मिड कैप का जो इंडेक्स है उसके अंदर अच्छी तेज़ी बनी हुई है अभी भी। आज भी बहुत सारे जो शेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे थे। अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो देखिएगा जिन शेयर्स में तेज़ी थी अच्छी, वो भी आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं। क्री इंडस्ट्री का शेयर 15% की तेज़ी थी, एरिज एग्रो 13.22%, NRB बेयरिंग्स, कल्याण इन्वेस्टमेंट, नेटवर्क 18, GM ब्यूरीज, LIC हाउसिंग फाइनेंस, रुचिरा पेपर्स, ये सब 5% से ऊपर थे। गोवा कार्बन, JK एग्री, हेमिस्फीयर, गुजरात होटल्स, हाइकल लिमिटेड, एडलविस कैपिटल, मैकलोड रसल्स, फ्यूचर रिटेल्स, बर्गर किंग, L&T फाइनेंस, ये सब 4% से ज़्यादा की तेज़ी वाले जो है शेयर्स थे। इसके अलावा जहाँ जिन शेयर्स के अंदर गिरावट थी अगर उनको देखना चाहें तो देखिएगा क्यूपिड का शेयर जो है बाज़ार को रिजल्ट अच्छा पसंद नहीं आए, तो क्यूपिड के शेयर में गिरावट थी। नीलकमल प्लास्टिक जो है ये भी जो है वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा रिच हो गया, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग थी।
गुडलक स्टील यानी गुडलक इंडिया 1.107, इसमें बहुत अच्छी तेज़ी पीछे हुई है, तो करीबन 35-40 रुपये से चलता हुआ 110 रुपये के आसपास आ गया। टेक्नोक्राफ्ट में कल 20% का सर्किट लगा हुआ था, तो आज इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी। नितिन स्पिनर्स भी देखिएगा, 60-65 में नॉर्मली ये चलता रहा पिछले कुछ सालों से, लेकिन अभी 100 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जिन शेयर्स में एक अच्छा रुझान था, अगर हम इंडेक्स के बेसिस पर अगर हम शेयर्स की बात करें कि इंडेक्स में किस तरीके का रुझान था, तो अगर आप इंडेक्स में देखेंगे तो निफ्टी 50 के शेयर्स में किस तरीके का रुझान था, तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो निफ्टी 50 में देखिएगा ग्रासिम 3%, टाटा मोटर्स 2.86%, बजाज फिनसर 2.84, ऑल इंडिया 2.72, ONGC 2.41, इंडियन ऑयल 1.91, इस तरीके की तेजी थी, और बजाज फाइनेंस में भी तेजी थी। और आज जो है हैवी वेट्स नहीं थे, इसलिए बाज़ार को जो है थोड़ी दिक्कत हुई कि अपने आप को जो है तेज़ी नहीं बरकरार रख पाया, और स्पेशली बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ने जो है आज जोश नहीं दिखाया। नेस्ले इंडिया देखी गई, ये पूरा बाज़ार कहीं से कहीं आ गया, लेकिन ये नेस्ले इंडिया पिछले 2 साल से 17,000 के आसपास ही घूम रहा है, तो इसमें 2% की गिरावट थी। SBI जो है 1.38, HDFC बैंक देखिएगा 1500 के लेवल पर आ गया, ये शुक्र है कि 1500 से ऊपर क्लोजिंग थी। ICICI बैंक में भी आज वीकनेस थी, एक्सिस बैंक में भी, तो आप देखिएगा बैंकों ने ही जो है आज बैंक निफ्टी को गिराया, और बहुत अच्छी तेज़ी करने के बाद आज रिलायंस भी थोड़ा सा आराम कर रहा था, तो थोड़ा सा सांस लेने के लिए, चाय पानी पीने के लिए जो है आप ये कह सकते हैं कि बुल्स अभी आराम पर मारे। तो इसी के साथ अगर हम बात करें निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक में क्या था, तो निफ्टी बैंक में आज की डेट में येस बैंक तो है ही नहीं कॉम्पोनेंट। इंडसइंड बैंक कल की गिरावट के बाद भी आज जो है नहीं संभलता हुआ नजर आया। कोटक महिंद्रा बैंक 1811, कल भी यहीं पे था, इसी के आसपास था। फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, PNB, SBI, IDFC फर्स्ट बैंक और RBL बैंक, सभी जगह जो है गिरावट का ही रुख था। ब्रॉडर रुख की बात करें तो NBFC आज अच्छा कर रही थी क्रेडिट पॉलिसी के बाद। LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर 6% की तेजी थी। मैकलोड रसल टी 4.97% की तेजी, और ये हमारा अल्फा स्टॉक है, ये अल्फा मेंबर्स को हमने 22 रुपीज़ के प्राइस पर जो है बताया था, 22 रुपये 23 रुपये का प्राइस था, और इसको हमने असेट्स प्ले के नाम दिया था, तो ये शेयर वहाँ से भी देखिएगा पिछले 3 महीनों के दौरान करीबन 70% की तेज़ी कर चुका है। एक्रेसिल, ये भी हमारा अल्फा मेंबर्स का शेयर था, ये 193 से 563 अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें बहुत अच्छे पैसे बनाए। राजेश एक्सपोर्ट में भी आज थोड़ी चाल थी। बजाज कॉरपोरेशन, IG पेट्रो, ये भी हमारा अल्फा एम्बेस का स्टॉक था, तो इसके अंदर देखिएगा 1.69% की तेजी सेंट, और ये भी 3 गुना पैसे इसमें हुए। CDSL 973, तो ये भी 400 रुपये से हमारा 1000 रुपये हुआ है। बोश जो है अभी, उसके अलावा फ्लैट था इंडिया मार्ट, और जहाँ पर थोड़ी गिरावट थी वो हाँ क्यूपिड SIS का जो शेयर है, इन 2 जगह प्रॉफिट बुकिंग की। CCL प्रोडक्ट 1.9, एपेक्स फ्रोजन, ये हमने ट्रेडिंग कॉल दी थी 213-214 रुपये पे जो है हमारा अल्फा एम्बेस के, तो वहाँ पर इसमें भी 30% पैसे बने। इसी तरीके से अवंती फीड जो है 448 पर हमने जो है ट्रेडिंग कॉल दी थी और ट्रेड के लिए जो है सुझाव दिया था, तो यहाँ पर बहुत अच्छे पैसे बनते हुए नजर आए। इसके अलावा गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, ये शेयर हमने कभी ट्रेड के लिए दिया था, तो ये ट्रेडिंग में था हमारे में, और ये 183-184 पे दिया था, और हमने तब 220 रुपये के टारगेट दिए थे, तो वो तो कभी भी अचीव हो गए, तो उसके बाद तो शेयर बहुत अच्छी तेज़ी कर चुका है। उसी कड़ी में हमने 79 रुपीज़ और 74 रुपीज़ के बीच में गेल दिया था, तो गेल वहाँ से जो है अभी 162 रुपीज़ हो चुका है, तो ये भी अल्फा एम्बस की वीडियो थी। इंडिया मार्ट जो है 2100 रुपये और 2150 रुपये पे हमने दिया था, तो जो अल्फा एम्बस हैं उनको इसमें भी अच्छे पैसे बने। इसके अलावा बाकी ITC के बारे में आपके साथ बात करता ही रहता हूँ, तो जो शेयर्स मेरी लिस्ट में है वो भी आज आप देख सकते हैं कि मैं कौन से शेयर्स जो है ट्रैक करता हूँ, तो एक बार मैं आपको स्क्रीन भी दिखा देता हूँ कि कौन से शेयर्स मेरी वॉच लिस्ट में लगे हुए होते हैं, तो आज आप मेरी वॉच लिस्ट भी देख सकते हैं कि कौन से शेयर्स को जो जनरली मैं ट्रैक करता हूँ, तो जब आप सवाल पूछें तो आपको आसानी रहेगी कि मैं इन्हीं शेयर्स को जो है जनरली ट्रैक करता हूँ। तो जो शेयर्स मेरे ट्रैकिंग में हैं वो भी आज आप मेरी सारी वॉच लिस्ट आप देख सकते हैं कि कौन से शेयर्स जो है मैं ट्रैक करता हूँ। वीडियो बाद में भी दोबारा चला के भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की जो शेयर्स हैं, इनमें से हो सकता है कि बहुत सारे जो शेयर्स हैं उन पर मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रखी हो, और इनमें से किसी शेयर्स पर आप जो है सवाल करेंगे तो वो भी देंगे, और बहुत ही जल्द जो है कल, स्पेसिफिकली कल की मैं बात करूँ तो कल हम एक
सभी मेंबर्स के लिए एक लाइव सेशन करने का प्लान कर रहे हैं। आज थोड़े टेक्निकल इश्यूज थे इसलिए वीडियो आपको इस फॉर्म में मिल रही है। इसके अलावा संडे के दिन यानी कि परसों एक एक्सक्लूसिव लाइव सेशन जो है हम करने वाले हैं अल्फ़ा मेंबर्स के साथ। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दोनों एडवांस में दे दिए। तो एक यूनिवर्सल जो है हमारा लाइव सेशन होगा कल के दिन में यानी कि सैटरडे में, और टाइमिंग आपको जो है नोटिफाई कर दी जाएंगी और हमारी जो कम्युनिटी पोस्ट है उसके अंदर हम आपको बता देंगे कि इस समय पर वो होगी। इसके अलावा संडे के दिन जो है अल्फ़ा मेंबर्स की जो है एक्सक्लूसिव जो है लाइव सेशन जो हम करेंगे। तो आज जो है थोड़ी सी असुविधा रही क्योंकि जो हमारा नॉर्मल जो टूल्स हैं जिनसे हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं तो आज वो उपलब्ध नहीं थे हमारे पास, तो जिसकी वजह से मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग पूछेंगे सर ये कौन सी ऐप है, तो यह ऐप मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी ऐप है। तो स्क्रीन पर देख लीजिएगा आपको, ये बीवुल नाम से जो ऐप है ये वाली ऐप जो है मैंने आपके साथ शेयर की है, तो आप चाहें तो इसको जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चर्चा जो है समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।